हेलो, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो नया फिज़िक्स का टॉपिक है, जो मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, फोकल लेंथ बाय नोडल स्लाइड, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो नोडल स्लाइड है। तो इसमें हमें करना क्या है, इसका जो ऑब्जेक्ट है, टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज सेपरेटेड बाई डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ अ नोडल स्लाइड एंड देन टू वेरीफाई टू फॉर्मूला, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, हमें वेरीफाई करना है इस नोडल स्लाइड से, 1/F=1/F1+1/F2-x। x इज अ डिफरेंस बिटवीन टू लेंसेज। आप यहाँ देख रहे होंगे दो कॉन्वेक्स लेंसेज है। तो अभी मैं इसका ऑब्जेक्ट बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो -x/F1/F2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये नोडल स्लाइड है हमारा, ये ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं ये नोडल स्लाइड है। इस नोडल स्लाइड में क्या है हमारा, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस स्लिट, ठीक है, ये क्रॉस स्लिट है। और इसके बीच में आप देख पा रहे होंगे ये क्रॉस स्क्रीन है, जिस पे ये क्रॉस टाइप का ये बना हुआ है, ये है क्रॉस स्क्रीन। सोर्स ऑफ लाइट से क्रॉस स्क्रीन पे लाइट जा रही है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस स्लिट। फिर ये हमारा है लेंस कैरेज, जो लेंस को कैरी करता है, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं इस पर भी कुछ रीडिंग्स मेंशन है। ये देखिए कुछ रीडिंग्स इस पर मेंशन है, इसको बोलते हैं लेंस कैरेज। ये लेंस कैरेज में हम लोग लेंस को कैरी करते हैं, जो लेंस हमारे कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने इसमें बताया कि ये जो लेंस कैरेज है, जिसमें हम लोग लेंस को कैरी करते हैं, ये जो आप कॉन्वेक्स लेंस दो देख रहे हैं, तो इसमें हमारा जो लेंस कैरेज में एक जो रीडिंग दे रखी है वो मिलीमीटर में काउंट होती है। किसमें काउंट होती है स्टूडेंट्स, मिलीमीटर में। तो अभी मैंने बता दिया ये लेंस कैरेज है, इसके जस्ट सामने है आपका प्लेन मिरर, ठीक है। और ये सारे ये जितने भी हैं ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर से राइट रिफ्लेक्ट होके ये जो आपको क्रॉस स्क्रीन मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, इस क्रॉस स्क्रीन पे इस साइड एक क्रॉस बनता है, ठीक है। यहाँ से लाइट जाती है, कॉन्वेक्स लेंस को पास करती है और फिर इस मिरर से होते हुए क्या होती है, इस स्क्रीन पे एक इमेज बनता है, क्रॉस टाइप का इमेज, जो कि मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। इस स्क्रीन पे क्या होता है, क्रॉस इमेज बनता है। और पहली बात तो मैंने अभी थोड़ी लाइट जला रखी है ताकि मैं आपको इसका एक एक पार्ट समझा दूं क्या है, वरना ये डार्क रूम का प्रैक्टिकल है, ये डार्क रूम का प्रैक्टिकल। हाँ, तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रैक्टिकल मैंने अभी आपको बताया कि इमेज बनेगी, और ये जो प्रैक्टिकल हमारा सेटअप है, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल बेंच। ये जो है हमारा, ये है ऑप्टिकल बेंच, जिस पे ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट, क्रॉस स्लिट, लेंस कैरेज और प्लेन मिरर हमारा इस पे सेटअप है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा नोडल स्लाइड है। तो अब हम चलते हैं, मैंने आपको ऑब्जेक्ट में एक फॉर्मूला बताया होगा, 1/F=1/F1+1/F2-x/F1/F2। तो अब हमें स्टूडेंट्स क्या करना है कि हमें ये जो दो कॉन्वेक्स लेंस आपको दिख रहे हैं, इसमें से हमें एक कॉन्वेक्स लेंस को क्या करना है, निकाल देना है। तो हमें पहले लेंस का यूज़ करके हमें F1 फाइंड करना है, फिर हमें ये जो आप देख रहे हैं, हमें पहले लेंस का यहाँ पे यूज़ करके हमें F1 फाइंड करना है, फिर हमें दूसरे लेंस का यूज़ करके हमें इस लेंस को इस पे सेटअप करके हमें F2 फाइंड करना है, और देन हमें दोनों का मीन निकाल लेना है। तो ये प्रैक्टिकल है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले मैं इसकी लाइट ऑफ कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, एक बात और स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्टिकल बेंच है, इस पर जो रीडिंग आप देख रहे हैं, ये देखिए, आपको तो अगर दिखेगा ध्यान से, ये देखिए, इसको हाँ फोकस कर रहा हूँ, इस पर जो रीडिंग है ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये टोटल सेंटीमीटर में दे रखा है। और ये रीडिंग आपकी जाती है कहाँ तक,
ये आपकी 150 तक जाती है, 145 देन 150 तक ये रीडिंग आपकी जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं लाइट को ऑफ करता हूँ, लेंस L1 का यूज़ करके मैं F1 यूज़ करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे ये सोर्स ऑफ लाइट है, इस क्रॉस स्लिट को मैंने क्या कर दिया है, इसको मैंने 15 पे मैंने इसको सेट कर दिया। आप जैसे कि इसमें देख पा रहे होंगे ये 15 पे मैंने इसको सेट कर दिया है। ठीक है, और मैंने लेंस को यूज़ करते हुए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये लाइट एक्चुअली फ्लैश की पड़ रही है, रुकिए मैं इसको बंद करता हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इस पर एक क्रॉस लाइन बन रही है, क्रॉस लाइन बन रही है ना स्टूडेंट्स। तो जैसी ही ये क्रॉस लाइन बन जाएगी, तुरंत जिस पे ये क्रॉस लाइन बन रही है उस पे हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग नोट कर देंगे। ये देखिए ये क्रॉस लाइन किस पे बन रही है, देख लीजिए 25, एक सेकेंड फोकस करता हूँ, 25.5, ये 25. इस पे बन रही है, 25.5 पे बन रही है, ये टोटल 10 का डिवीज़न होता है तो इसके मिडिल में बन रही है, तो 25.5 बन रही है। तो जैसे कि मैं ऑब्जर्वेशन टेबल पे आता हूँ, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। अब आप ऑब्जर्वेशन टेबल को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो पहले मैंने लेंस L1 का यूज़ करके हमें क्या निकालना है, F1 निकालना है। तो वन फेस अदर फेस, ठीक है, वन फेस अदर फेस, वन फेस अदर फेस। तो पहले मैंने क्या किया, पोजीशन ऑफ क्रॉस लीड को किस पे रखा है, 15 पे रखा है। तो 15 पे हमारा क्या रीडिंग आया है, 25.5 आया है। कितना आया है स्टूडेंट्स, 25.5। अब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी, ए को बी से माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वो रीडिंग आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब आता है अदर फेस। अदर फेस क्या होता है, अदर फेस में क्या होता है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वन फेस है, जैसे ही हम इसको मूव कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा अदर फेस। ठीक है, ये अदर फेस हो जाएगा, और अदर फेस पे भी देखिए ऐसे क्रॉस लाइन बन जाएगी। ये देखिए, ये देखिए क्रॉस बन रहा है, तो थोड़ा सा हैजी बन रहा होगा, इसको और फाइन करते हैं, फाइन हो गया। ठीक है, अब इस पर रीडिंग देखिए कितनी बन रही है, देखिए कितनी बन रही है रीडिंग, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, 25.678, ये आई थिंक 25 पॉइंट आप देख पा रहे होंगे इसमें, 25 पॉइंट ये बन रही है, 25.5689, ये 25.9 के अप्रॉक्सीमेट बन रही है। ठीक है, तो अदर फेस में 15 पे ही ये क्या बन जाएगा, 25.9 बन रही है। ठीक है, ये अदर फेस हो गया। तो आपको पता हो गया वन फेस क्या होता है, वन फेस स्टूडेंट्स ये होता है, और अदर फेस क्या होता है, पहले हम वन फेस में इस पे बनाएंगे क्रॉस लाइन, फिर हम लोग अदर फेस में क्या करेंगे, इसको मूव कर देंगे, और मूव करके भी हम इस पे क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया है स्टूडेंट्स की क्या हो गया। तो हमने अभी क्रॉस लीड को 15 पे सेट किया था, वन फेस अदर फेस, अब हम क्रॉस लीड को 16 पे सेट करेंगे, फिर हम लोग 17 पे करेंगे। ठीक है, देखिए मैं 15, 16, 17 इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 0.5 में आप 15.1 भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए आप मैंने 15 किया, आप 16 भी कर सकते हैं, आप 17 भी कर सकते हैं, आप 18 भी कर सकते हैं। ये डार्क रूम एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पे आपको, एक सेकेंड फोकस कर दूँ, हाँ ये डार्क रूम ऐसा है कि यहाँ से कहीं ना कहीं से लाइट आ रही है, तो इसलिए मैंने मिरर को पास में करके, मिरर को पास में करके मैंने इसकी पूरी रीडिंग निकाली है F1 की। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जैसा कि इसमें देख पा रहे होंगे कि हमने, मैंने पहले लेंस L1 लगा दिया है, लेंस L1 लगा के हमने क्रॉस लीड को 15 की पोजीशन पे क्रॉस लाइन निकाली है, फिर 15 पे ही मैंने अदर फेस पे निकाली है, फिर 16 पे करके निकाली है, फिर 17 पे अदर फेस और वन फेस, और इन दोनों को माइनस करके ये निकाला है, फिर इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, F1 निकलेगा। क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, F1। अब आता है लेंस 2, सेम यही प्रोसेस हमें क्या करना है, जिस लेंस को हमने लेंस L1 में लगा रखा है उसी लेंस को उठा के हम क्या करेंगे, लेंस L2 में लगा देंगे। ठीक है, और L2 में लगाने के बाद जैसे हम इसको यहाँ पे साइड में करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, L2 में लगा देंगे। ये देखिए L2 में करने के बाद ये 0 से 0 कौन साइड होना चाहिए, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जिस पे लेंस अटैच्ड है या जिस पे लेंस को मैंने लॉक किया है उस लेंस को लेंस कैरेज के जो MM में दे रखा था, 0 से इसको कॉन्साइड करना चाहिए।
सेम वही प्रोसेस, क्रॉस लीड को हम लोग क्या करेंगे 15 पे निकालेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं पोजीशन ऑफ क्रॉस लीड 15 पे निकालेंगे, 16 पे निकालेंगे, 15 पे वन फेस, फिर इसको क्या करेंगे मूव करेंगे, फिर 15 पे अदर फेस, फिर क्रॉस लीड को हम लोग 16 पे लेके जाएंगे, वन फेस पे क्रॉस लीड निकालेंगे, फिर हम लोग 16 पे भी इसको अदर फेस पे कर लेंगे, लाइक ऐसे अदर फेस पे कर लेंगे। तो हमें इस तरह करके टोटल 6 रीडिंग निकलेगी लेंस L1 और L2 की, और इन दोनों को हमें माइनस करके, ए और बी को माइनस करके हमें क्या करना है, टोटल 6 रीडिंग निकलेगी, 6 रीडिंग को डिवाइड करके हमारा मीन F2 निकल जाएगा। तो जैसा कि आप फॉर्मूला में दिखा रहा था, ये फार्मूला है, तो हमने लेंस L1 का यूज़ करके लेंस L1 का यूज़ करके हमने F1 निकाल लिया, प्लस लेंस L2 का यूज़ करके हमने F2 निकाल लिया। अब माइनस x, अब हमें x को निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स, कि x कैसे निकलेगा, x भी मैं बता दे रहा हूँ x कैसे निकलेगा। तो x में हमें क्या करना है, ये जो दोनों लेंस कैरेज है इस पर हमें लेंस को कैरी करना है, इस पर हमें क्या करना है लेंस को कैरी करना है, और लेंस को कैरी करके हमें एक सेपरेट डिस्टेंस कर देनी है। जैसे ये देखिए, ये मैंने इसकी सेपरेट डिस्टेंस कर दी, ये 20 mm 20 mm, तो 20 mm 20 mm ऐड किया तो कितना आया 40 mm, 40 mm को मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया तो इक्वल टू 6 cm हो गया स्टूडेंट्स। तो मैंने इस पर लेंस लगाया, इस पर लेंस लगाया, तो हम ऑब्जर्वेशन 2 पे आते हैं, ये ऑब्जर्वेशन 2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज, तो 40 40 इक्वल टू 4 cm, 4 cm पे हमने इसको रख दिया। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं जैसे आपको बता रहा था कि अब मैं इसको नए थोड़े से फिगर से बनाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्लीन दे रखा है। तो आप जैसे देख रहे थे कि दो लेंसेस को मैंने 20-20 पे रखा, 20-20 इज इक्वल टू 40-40 मीन्स 4 cm, वन फेस देन अदर फेस, अदर फेस पे भी 4 cm, जब उस पर रीडिंग रखेंगे फिर उस पर हम लोग जो क्रॉस लिट रहेगा वो क्रॉस लिट हमारा रहेगा 15-15 पे, ठीक है, और जिस पे हमारी लाइट बनेगी उसकी रीडिंग रहेगी जहाँ पे हमारा लेंस हमारा सेटअप है, ठीक है, तो वो वाली रीडिंग हमारी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, जो दो लेंसेस लगे हैं उसको हम लोग 30-30 पे रखेंगे, 30-30 mm इज इक्वल टू 30-30 mm इज इक्वल टू 60 मीन्स 6 cm, वन फेस देन अदर फेस, फिर हम लोग 40-40 पे रखेंगे, 40-40 इज इक्वल टू 80 मीन्स 8 cm देन 8 cm, क्योंकि जिस पे लेंस हमारा सेटअप है जो लेंस कैरेज पे उसकी जो रीडिंग दे रखी है वो mm में दे रखी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इतना समझ में आया कि डिस्टेंस लेंस बिटवीन जो हमारी रहेगी वो ये रहेगी। उसके बाद क्रॉस लिट की जो पोजिशन है 15-16-17 जो हम लोग रखे थे, और ये जहाँ पे हमारी लाइट बन जाएगी उसकी रीडिंग रहेगी। देन हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी करके ये हम लोग सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ को हम लोग यहीं पे सेटअप करने देंगे। फिर उसके बाद ये फार्मूला था 1 upon F = 1 upon F1 जो हमने L1 का यूज़ करके हमने F1 मीन निकाला था, 1 upon L2 का यूज़ करके F2 जो निकाला था, माइनस एक्स, एक्स की जगह अब हम लोग क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, फिर F1 F2 इनटू कर देंगे जो मीन हमारा निकला था। उस तरह करके हमारी एक वैल्यू निकलेगी, फिर हमारी 6 पे हमारी दूसरी वैल्यू निकलेगी, और देन 8 पे हमारी तीसरी वैल्यू निकलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह करके हमारी 3 वैल्यू निकलेंगी, इस 3 वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सेटअप कर देंगे, ठीक है, इस 3 वैल्यू को हमारी सेटअप कर देंगे, ये जो हमारा होगा ये हमारा फाइनल एफ फाइंड होगा। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों का भी हम लोग एक मीन निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स बस इतना ही है, जिसमें कैपिटल एफ़ की वैल्यू निकली है, और बाकी कोई भी क्वेरीज है मैं इसका कोशिश रहेगी कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको PDF प्रोवाइड करा दूँ, और बाकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आगे भी और लैब एंड लेक्चर के लिए अटेंड रहिएगा, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। Thank you so much.